हेलो फ्रेंड्स माय नेम इस जयती दुबे एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट ऑल द फोर चार्टर एक्ट्स वी हैव ऑलरेडी डन विद दिस नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी ऑल द चार्टर एक्ट्स मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जितने भी चार्टर एक्ट्स हैं सब में ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर्स का डिफरेंस है आप प्लस करके देख सकते हो नाइन्टी थ्री प्लस ट्वेंटी एटी थर्टीन प्लस ट्वेंटी एटी थर्टी थ्री प्लस ट्वेंटी फिफ्टी थ्री ऐसा इसलिए है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ये एक्ट पास कर रहा था ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर्स के बाद और वो एक्सटेंशन दिए जा रहे थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी को ये एक्ट पास कौन कर रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वो बीस बीस साल का एक्सटेंशन दे रहे थे तो इसीलिए हर बीस साल के बाद एक एक्ट आ जा रहा था ठीक है फिर यहाँ पर लास्ट एक्ट पर आके वो रुक गए मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ तो अभी तक कौन सा रूल चल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी रूल चल रहा है और इन चार्टर एक्ट के बाद ये रूल खत्म होकर क्राउन का रूल आएगा यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरा टेक ओवर कर लेगा इंडिया के गवर्नेंस को और ईस्ट इंडिया कंपनी से कह देंगे कि बस आपका काम कामयाब ख़त्म तो हमें कंपनी रूल यहाँ तक है 1853 तक तो आइए देखते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 1786 का जो एक्ट था ये हमने देखा था इसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस्ट थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था उनकी दो शर्तों पर उन्होंने पहले कहा था मैं खुद कमांडर इन चीफ बनूँगा और दूसरा जो इनके अंदर काउंसिल है एग्जेक्टिव काउंसिल उसके डिसीजन को मैं ओवर कर सकता हूँ जो कि मान लिया गया था इसका कनेक्शन है हमारे पहले चार्टर एक्ट से पहले चार्टर एक्ट में फिर क्या कहा गया कि ये जो पावर इनको दिए गए हैं इट विल एक्सटेंड टू द फ्यूचर गवर्नर गवर्नर इन जनरल एंड गवर्नर प्रेसिडेंसीज मतलब कि जो इनको मिले हैं पावर अब इनकी जगह जो फ्यूचर में आएंगे उन गवर्नर जनरल्स को भी ये पावर दे दिए जाएंगे देन गवर्नर जनरल यहाँ ज़्यादा पावरफुल हो गया है और भी ज़्यादा इनके पावर्स बढ़ गए हैं जो प्रेसिडेंसीज़ है बॉम्बे और मेड्रॉस इसकी सब थी हमने पहले देखा था तो इनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल ये बन गए हैं ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है वो दो बीस साल आगे के लिए उसको एक्सटेंशन मिल गया ट्रेड मोनोपोली का क्या मतलब होता है देखो ईस्ट इंडिया कंपनी परमिशन से आई थी जो क्वीन है क्वीन एलिजाबेथ वन उन्होंने चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ट्रेड है ना यानी कि अभी इट इज़ नॉट ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट इट इज़ ओनली ओनली फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बोलते हैं ट्रेड मोनोपोली मतलब सिर्फ यही कर सकते हैं ट्रेड है ना तो अभी इनको ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड करने दी गई है बीस साल तक अब उसके बाद एक बात और है कि कमांडर इन चीफ नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है कमांडर इन चीफ अब कोई मेम्बर नहीं है अनलस अपॉइंटेड ओके अनलस अपॉइंटेड ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये ये एक मैंने जो स्टार बनाया ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंशन मिल गया बीस साल का और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है और जो स्टाफ है उसकी सैलरी कहाँ से जाएगी अब इंडियन रेवेन्यू जो जनरेट कर रहे हैं ये लोग वहाँ से ही उसका खर्चा अब दिया जाएगा ठीक है और इसके अलावा स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में ये तो एम लक्ष्मीकांत लख्ष, में इतना दिया है और फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में एक पॉइंट और है कि अब जो ये सब खर्चा ये लोग देंगे सैलरी वगैरह सब हटा के जो शेयर्स डिविडेंड वगैरह सब जब दे देगी ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद जो प, उसके बाद उन्हें एक खर्चा और है फाइव लाख ,00 पाउंड पर ईयर देना होगा किसे यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट को ठीक है ब्रिटिश गवर्नमेंट को सॉरी ये है ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनको पाँच लाख ,00 पाउंड पर ईयर देने हैं एक्स्ट्रा में और यहाँ जो है वो खर्चा तो यहाँ से जाना ही है इंडियन रेवेन्यू जो इकट्ठा ये कर रहे हैं उसी में से सबकी सैलरी को पे करेंगे स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में ये पॉइंट्स भी दिए हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये आपके एम लक्ष्मीकांत सिक्स एडिशन में नहीं है लेकिन ये स्पेक्ट्रम में आपको पढ़ना होगा स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में तो उस पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं बता रही हूँ इस वीडियो में तो चार्टर एक्ट सेवेंटीन नाइन्टी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी हैं जैसे गवर्नर जनरल गवर्नर कमांडर इन चीफ इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा विथ रॉयल अप्रूवल ठीक है ये जो क्राउन है जो क्वीन है इनका अप्रूवल चाहिए फिर आगे क्या जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया छोड़ के बिना परमिशन के ठीक है बिना परमिशन के इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते हैं इंडिया के बाहर जिनको यहाँ रखा गया है और इन लोगों को ये पावर है कि अब लाइसेंस दे सकते हैं कंट्री में ट्रेड करने की किसको इंडिविजुअल्स और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ उनको ये जो ऑफिशियल्स हैं ये लाइसेंस दे सकते हैं और इसी तरीके से रास्ते खुल गए ओपीएम का ओपीएम यू नो चाइना को एक्सपोर्ट करने के यहाँ से ठीक है एक ये पॉइंट है ये सब स्पेक्ट्रम में दिया है देन एक माल अदालत जो है उसका पॉइंट भी दिया है स्पेक्ट्रम में दैट द माल अदालत ये माल अदालत क्या थी जो रेवेन्यू था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशरी फंक्शन नाउ पहले वो जुडिश्री फंक्शन भी जो उसके थे लेकिन अब नहीं है तो ये माल अदालत यहाँ से खत्म ठीक है ये एक था देन चार्टर एक्ट 1813 थर्टीन साल बाद आया चार्टर एक्ट 1813 इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और uh, इस एक्ट के तहत क्या हुआ ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया एंडेड जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली दी गई थी वो अब खत्म उनसे कहा गया कि आपकी ट्रेड मोनोपोली खत्म और लेकिन आपको दो चीज़ अभी भी रिटेन करने दी जाएगी ट्रेड विथ चाइना यस एंड ट्रेड इन टी ये दो चीज आपको अभी भी आप रिटेन कर सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर एक्ट एटीन के तहत ठीक है और फिर मैंने बताया अभी मैंने बताया था ट्रेड मोनोपली क्या होती है कि एक्सक्लूसिवली इन्हें परमिशन थी अब इट इज़ ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट ठीक है लेकिन चाइना में ट्रेड करना और टी में ट्रेड करना इसकी अभी इन्हीं के पास है राइट्स नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कैन रिटेन द टेरिटोरी प्लस रेवेन्यू फॉर अनदर ट्वेंटी ईयर्स विदाउट प्रेडिडीज टू सॉवरन क्राउन यानी कि इनको दे हैव टू अजर्ट दोवरेंटी ऑफ क्राउन कि हम आपके नीचे ही हैं ठीक है ब्रिटिश क्राउन के नीचे ही खुद को मानेंगे और इनकी जो टेरिटरी है ये अभी भी रिटेन कर सकते हैं अगले बीस साल तक और जो रेवेन्यू का जो इनको मिला है वो भी बीस साल तक ये रिटेन कर सकते हैं ठीक मिने, 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 है नाउ क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको भी अलाउ किया गया टू कम एंड प्रीच देयर रिलीजन नाउ वेस्टर्न एजुकेशन जो ब्रिटिश टेरीटोरीज ने एक्वायर की है ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो उस टेरिटोरी में नाउ दे वर आज टू स्प्रेड ब्रिटिश एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन हो गई और इसके लिए एक uh, स्पेक्ट्रम एक पॉइंट और है कि वन लाख रुपीज़ अलग से वो रखेंगे जिसमें लिटरेचर साइंस वगैरह में वो खर्चा करेंगे ठीक है इन विद इन ब्रिटिश टेरिटोरीज नाउ लोकल गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्स एंड पनिश फॉर नॉट पेइंग एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये सब पॉइंट्स एटीन थर्टीन के दिए थे एम लक्ष्मीकांत की बुक में और स्पेक्ट्रम बुक में तीन पॉइंट और दिए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को टेन पॉइंट फाइव परसेंट डिविडेंट देना होगा अपने शेयर होल्डर्स को ठीक है थी तो वो एक कंपनी ही है ना तो उसमें जो शेयर होल्डर है उनको अभी ये डिविडेंड इनको देना पड़ेगा जो ये कमाई कर रहे हैं और सेपरेट अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा कमर्शियल ट्रांजेक्शन का और टेरिटोरियल रेवेन्यू का ठीक है क्योंकि जो ये ट्रेड कर रहे हैं उससे भी पैसा आ रहा है फिर एक ही रेवेन्यू भी तो कलेक्ट करना है तो इस तरीके से दो सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे ये भी कहा गया चार्टर एक्ट में एटीन थर्टीन बॉम्बे मेड्रॉस और कलकत्ता इनकी जो प्रेसिडेंसी है इनको बोला गया कि रेगुलेशन बनाने से पहले हमको पूछो किसने कहा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि आप ये कोई भी रेगुलेशन बनाएंगे तो पहले इनसे इनको परमिशन चाहिए अप्रूवल चाहिए ठीक है नाउ चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833 मैंने कुछ इस तरह समझाया है सी इसका एक इम्पॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बोला गया था सबसे पहली एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट उसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया था और पहले कौन थे वॉरन अब क्या है थर्टी थ्री में क्या होगा कि अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया कहा जाएगा ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है और जो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको बोला गया फर्स्ट कौन मना लॉर्ड विलियम बेंटिक ठीक है सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो लॉज बनेंगे अब से उनको एक्ट कहा जाएगा और पहले जो भी लॉज बनते थे उनको रेगुलेशन कहा जाता था अब से एक्ट कहा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह जाएगी इसको फिर से बीस साल का एक्सटेंशन मिल गया ना दो इसको भी बीस ईयर ट्वेंटी ईयर्स का लीज मिल गया मतलब एक्सटेंशन मिल गया और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अब दे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ये अलाउ किया था ना टी ट्रेड इन टी एंड चाइना ये दोनों ख़त्म यहाँ पर ठीक है इट एंडेड थ्रू दिस एक्ट जब यू में क्वेश्चन होता है ना तो जैसे कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एटीन थर्टीन वाला जो एक्ट था उन्होंने पूछा था मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे यू में तो, तो uh, उसमें ये पूछा था कि uh, ये जो ट्रेड एंड हुआ है ट्रेड इन टी एंड चाइना ये ये इसका फीचर है कि नहीं ऐसा पूछ लेते हैं है ना देन सिविल सर्विस एग्जाम को प्रपोज तो किया गया था लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसे रिजेक्ट कर दिया यूरोपियन इमिग्रेशन अलाउड यानी कि अब वो यूरोपियन के जो सिटीजन uh, वो यहाँ आ सकते हैं ठीक है थीके? ये उनको अलाउ कर दिया गया वन लॉ मेम्बर इंक्लूडेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पर देखो ध्यान देना कि ये जो गवर्नर जनरल के नीचे एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था उसमें जो तीन मेंबर हैं उसके अलावा एक लॉ का मेंबर ऐड किया गया यहाँ पे ठीक है नाउ एक लास्ट पॉइंट स्टेप्स टू एबोलिश स्लेवरी ऐसा बोला गया एडमिनिस्ट्रेशन को कि यू हैव टू टेक स्टेप्स टू एबॉलिश स्लेवरी एंड स्लेवरी वॉज आफ्टर सम ईर्स फाइनली एब्लिश यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे सॉरी गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मेड्रॉस ये जो दो प्रेसिडेंसीज इनके गवर्नर के जो पावर हैं लेजिस्लेटिव पावर खत्म कर दिए गए और इनको बोला गया कि अब आप सिर्फ एडवाइस कर सकते हो किसको गवर्नर जनरल को अब यहाँ का इनका लेजिस्लेटिव पावर दे वर डिप्राइव्ड ऑफ इट ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है नाउ चार्टर एक्ट 1853 इसके अकॉर्डिंग मेरे जितने भी ये वीडियोज हैं इसके पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे ओके तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं देन फाइनल एक्ट एंड लास्ट वन चार्टर एक्ट एटीन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थी कि जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं ना यू सिविल सर्विस एग्जाम तो ये वहाँ पे पहले मैकॉली कमेटी जो बनी थी सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करने के लिए इस कमेटी को मतलब ये इसको आ, हरी झंडी मिल गई कि हाँ आप सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं मेकॉलेट कमेटी बनाई गई इसके लिए और 1854 में ठीक है और ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो अब इनडेफिनेटली एक्सटेंड किया गया है अभी 20 बीस साल बोल रहे थे अब यहाँ पे नहीं बोला 20 साल अब बोला कि इनडेफिनेट यानी कभी भी बंद किया जा सकता है फिर उनको पूरी तरीके से इनका रूल ख़त्म वैसे भी होने वाला है इसीलिए इनडेफिनेटली बोल दिया गया अब इनको एक्सटेंशन नहीं मिला बीस साल का यहाँ पर ठीक है कोड ऑफ डायरेक्टर में इसको बोला कि मैक्सिमम सिक्सटीन आप रख सकते हैं मेम्बर्स और ये जो लॉ मेम्बर्स बनाया गया था ना यहाँ पर चौथा वाला एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये फुल टाइम मेम्बर बन गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल अब यहाँ देखो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है अब यहाँ इनका एक एग्जेक्टिव काउंसिल होगा और साथ में एक लेजिसलेटिव काउंसिल भी होगा ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1853 के चार्टर एक्ट का ठीक है तो ये जो है मिनी पार्लियामेंट यहाँ पर एक तरीके से तैयार हुआ ये है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर इसमें सिक्स मेंबर्स होंगे जिसमें से चार मेंबर कौन होंगे दे विल बी अपॉइंटेड बाय लोकल लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेड्रॉस बंगाल बॉम्बे एंड आगरा यहाँ से आएंगे रिप्रेजेंटेटिव्स फोर मेंबर ये हो ठीक तो है एक मिनी पार्लियामेंट यहाँ पर फॉर्म हुआ और इसे कहा गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल तो यह पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था एंड इट वॉज जस्ट अ कॉपी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ठीक है इसे बोला गया मिनी पार्लियामेंट तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स ठीक है वी हैव डन विथ ऑल द फोर चार्टर एक्ट्स ना यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाएगा अब आएगा क्राउन रूल यानी कि ब्रिटिश क्राउन बोलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को अब आप जाओ अब आपका काम खत्म अब हम गवर्नेंस को अपने डायरेक्ट अंडर में लेते हैं ठीक है सो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैव नाइस डे